वेलकम बैक टू पंजाबी फूड विद गीता। सावन स्पेशल बनाओ खीर दे पूड़े ते बाहर बाजार भी बहुत वधिया आ ते पूड़े खाने भी मन करता है। आओ तुहानू खिलाउणे आ खीर पूड़े, देखो किन्ना वधिया मैं खीर पूड़े बनाए आ ते तुसी भी बनाओ। इस महीने जरूर बनाउणे चाहीदे आ ते अपने बच्चों भी खिलाओ। बच्चे इन पूड़िया खा के खीर पूड़िया बहुत खुश होंगे आ। बाकी मेरी वीडियो नू लाइक शेयर ते सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। चलो अज तुम दिखाने न्यूयॉर्क का वैदर, देखो किन्नी ठंडी ठंडी हवा चलती है ते नाल मींह भी पै रहा थोड़ा थोड़ा। अज सारा दिन मींह दसिया ते वैदर भी पूड़े खाने वाला आ ते बहुत ही वधिया लगता आ। ते चलो तुहानू दिखाने दिखाने इंजॉय करो, तुसी भी साडे नाल नाल पूड़े खाओ। अज की रेसिपी में आप खीर पूड़े बनावांगे ते चलो तुहानू दस दे पूड़िया दे विच केड़ा केड़ा समान पैंदा। सब तो पहला इनू बनाउण वास्ते मैं दो पेसियां जिहड़ियां गुड़ दियां लै लईआं सी ते गुड़ नू पुट के चंगी तरह भुन के पानी दे विच रख लिया सी ते इह खुर गिया चंगी तरह, तुसीं देख सकदे आ। एक कौली जिहड़ी आपां आटे दी लई सी ते इहदे विच थोड़ी जी इलायची छोटी ग्रीन इलायची ते थोड़ी जी सौंफ, इहनू चंगी तरह मैं दादड़ जिहा कर लिया ते इहदा पाउडर बना लिया। तो इस तरह ये पाउण दे नाल अपनी पाचन शक्ति वधाउंदा आ ते जिहड़ी ग्रीन इलायची आ उहना अपना फ्लेवर जिहड़ा बहुत वधिया बन जांदा। इहनू बनाउण वास्ते आपां लवांगे रिफाइंड ऑयल ते तुसीं इहनू सरों दे तेल विच वी बना सकदे आ। ते चलो सब तो पहलां आपां शुरू करदे आ। इहनू आपां जिहड़ा गुड़ दे पाणी नू आपां पुणांगे छाणनी दे नाल तां कि जिहड़े इहदे विचला जिहड़ा कचरा जिहड़ा विच थले हुंदा है इहदा मैल जी वो विच पौनी दे आ जांदी आ। इह करन तों बाद फिर आपां इहनू इक कौली विच कढांगे। कौली विच कढण तों बाद फिर आपां आटे दी कौली जिहड़ी लई सीगी कणक दा आटा इहनू आपां इक भांडे दे विच पावांगे ते हुण थोड़ा थोड़ा पानी करके इहदे विच रलावांगे। ते जिहड़ी कुट्टी होई ऐड करन तों बाद फिर आपां थोड़ा थोड़ा करके पानी इहदे विच जिहड़ा पावांगे गुड़ दा। ते हौली हौली करके चमचे दी सहायता दे नाल इहनू इहदा घोल तैयार करांगे। थोड़ा थोड़ा पानी आपां पावांगे अपने गुड़ वाला ते आपां नूं पता लगेगा घोल किस तरह दा बनिया। चमचे की सहायता दे नाल इस तरह करांगे। 10-15 मिनट वास्ते इहनू चंगी तरह मिक्स करांगे। 15 मिनट करन तों बाद इहदा घोल तैयार तो करन तों बाद फिर इहनू छड्डांगे। चलो हुण तुहानू दिखाउणे आ। 15-20 मिनट हो गए आ मैनू इहनू ढक के रखे नूं। इस तरह दा इह घोल होणा चाहीदा, देखो ना बहुता पतला होवे ते ना बहुता गाढ़ा होवे ते विच गुठली नहीं होनी चाहीदी, देखो कोई गुठली नहीं इहदे विच। ते चंगी तरह मैं इहनू 20 मिनट वास्ते फेंट लिया सी ते उस तो बाद फिर 15-20 मिनट वास्ते इहनू रख दिता सी कवर करके। हुण मैं उधर तवा धो के गैस ते रख दिता ते मीडियम सेक ते आपां इहनू बनावांगे। ते तवा मेरा मीडियम सेक ते तुसीं देख सकदे आ गर्म हो चुका आ। इत्थे लावांगे हुण आपां थोड़ा जिहा ऑयल। ऑयल लगाउण तों बाद फिर आपां चारे पासे इहनू घुमावांगे। आपां जिहड़ा पूड़ा बनावांगे उह तवे दे नाल ना चिपके। हुण आपां इक कड़छी लवांगे। कड़छी लै के ते पूरी कड़छी आपां भरांगे इस तरह। इस तरह भर के फिर आपां इस तरह आले दुआले घुमावांगे। इस तों बाद फिर चमचे दी सहायता दे नाल इहनू होर वी पतला करांगे।
जिन्ना आप पतला करांगे तो उन्ना पूड़ा अपना खाने विच भी स्वाद होगा तो पतला पतला वधिया भी लगता। जिदा आप रुमाली रोटी बनाई दी है इस तरह का ही हुंदा है, जिन्ना भी आप पतला कर सकते हैं उन्ना ही करना चाहिए। हुण इहदी साइडा ते थोड़ा थोड़ा ऑयल पावांगे तां कि पूड़ा जदों आपां इहनूं साइड चेंज करांगे ते आपां नूं आसानी होगी। हुण तुसीं देख सकदे आ चंगी तरह एक साइड जिहड़ी आ उप्पर बबल आ चुके आ। हुण आपां इहनूं हौली हौली इस तरह ट्राई करांगे चक्कण दी। ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਓਇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਰੱਖੂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਸੇਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਕ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮ ਸੇਕ 'ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਪੱਕੂਗਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋ ਡੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੜਛੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਸੇਕ 'ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਪੱਕਣਗੇ। ਪੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੈਪਕਿਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਓਇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੀ ਓਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਓਇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।